रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। महाज्योति शिव पिता की संतान हूं। मैं एक कर्म योगी हूं। सारे दिन भर सभी कर्मेंद्रियों से अलग अलग कर्म कराते हुए मन बुद्धि से एक बाप की याद में रहता हूं। अपने सच्चे यार को सच्चे दिल से याद करता हूं। अमृत वेले बाबा की आवाज से ही मेरी आंखें खुलती है। बाबा मुझे कहते हैं, उठो बच्चे, तुम्हारे भक्त तुम्हें बुला रहे हैं। प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही है। इन सभी को तुम्हें सकाश देनी है। मैं भी बाबा को मीठी गुड मॉर्निंग करता हूं और बाबा को वायदा करता हूं कि सारे दिन भर कर्म करते हुए मैं आपका श्रीमद रूपी हाथ थामे रहूंगा। और आपकी निरंतर याद में रहकर सदा ईश्वरीय सेवा में हाजिर रहूंगा। अमृत वेले योग में मैं आत्मा बाप के सर्व शक्तियों के और वरदानों के खजानों से स्वयं को भरपूर कर लेता हूं। मैं स्नान करते समय अनुभव करता हूं कि पवित्रता के सागर से निकली हुई पवित्र निर्मल धाराएं मुझ पर बरस रही है। और मेरा तन और मन निर्मल हो रहा है। फिर मैं कभी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस तो कभी सजी सजाई देवताई ड्रेस धारण कर लेता हूं। मैं जब भी आईने में देखता हूं भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकते हुए आत्मा को ही देखता हूं।
जब भी घूमने जाता हूं, जहां से भी गुजरता हूं, तो अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति सहित सभी आत्माओं को लाइट माइंड की सकाश देता हूं। मुरली सुनते समय मैं अनुभव करता हूं कि स्वयं बाप दादा अव्यक्त वतन से मुझे मुरली सुनाने के लिए अवतरित हुए हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट स्वयं भगवान से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहा हूं। फिर भोजन बनाते समय या कोई भी कार्य करते समय मैं स्वयं को ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करता हूं। हर कार्य बाबा की याद में ही करता हूं। भोजन बनाने के बाद मैं बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराता हूं। स्वयं अपने हाथों से बाबा को खिलाता हूं। बाबा भी उनकी दृष्टि से सारे भोजन को शक्तिशाली बनाते हैं। और मुझे अपनी गोद में बिठाकर बाबा अपने छोटे ठाकुर को अपने हाथों से गिट्टी खिलाते हैं। मैं जब भी जल पीता हूं, बाबा की याद में जल को दृष्टि देकर प्राशन करता हूं। पवित्र वाइब्रेशन से जल भी अमृत समान बन जाता है। कर्म क्षेत्र पर मैं सदा बाप की छत्र छाया में रहता हूं। कार्य करते समय मैं भिन्न भिन्न रूप में बाबा के साथ का अनुभव करता हूं। बाबा कभी दोस्त बनकर मेरे कार्य में मुझे मदद करते हैं तो कभी सद्गुरु बनकर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। और मैं करण करावनहार आत्मा कर्मेंद्रियों का मालिक बन कर्म करता हूं। मैं रात्रि को सोने से पहले बाबा को सच्चा सच्चा चार देता हूं और हल्का हो जाता हूं। बाबा को प्यार से गुड नाइट कर बाप की गोद में सुख चैन की नींद लेता हूं। ओम शांति।